बहुत सारी लड़कियां इस तरीके से जब पीरियड्स आते हैं ऐसे डबल हो जाती हैं, बहुत लेडीज बहुत पेन होती है, उल्टी लग जाती है, टांगों में दर्द होती है, उनके कमर में दर्द, और कई बार वो बेहोश भी हो जाती हैं। जो इस तरीके की दर्द है इसको उनकी माँ कहेगी कि नॉर्मल है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 गलतियां जो माएँ करती हैं, और वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनको पता नहीं है महीनों से रिलेटेड, मेंसेस से रिलेटेड। पहली बात, इतनी दर्द जब उनको होती है तो माँ कहती है मुझे भी हुआ था, तेरी दादी को, नानी को, सबको हुआ था, तुझे भी हो रहा है। ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, यहाँ बच्चेदानी होती है, यहाँ जो मांसपेशियाँ होती हैं बच्चेदानी के आसपास, जो खून निकलता है कुछ तो बाहर निकल जाता है, कुछ बच्चेदानी के आसपास यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, या अंडेदानी के आसपास जो अंदर है वो तो बाहर निकलेगा, और जो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है उसमें दर्द होती है, और इतनी तेज दर्द होती है कि उनको छुट्टी मारनी पड़ती है, किसी भी दर्द वाली गोली से उनको आराम नहीं मिलता, 4-4-5 बार गोलियां खानी पड़ती हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाए और उनको दवाई दिलवाई जाए, बिकॉज नहीं तो आगे चल के बच्चा बनने में बहुत दिक्कत होती है। मेंसेस जो होते हैं वो प्रेगनेंसी लेने की शुरुआत होती है, एक लेडी का जो नीचे का हिस्सा है वो प्रेगनेंसी के लिए ही तैयार होता है। तो एक पहली पेन नहीं होनी चाहिए, दूसरा कई बार उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उनमें खून की कमी हो जाती है, जब उनमें खून की कमी हो जाती है तो चक्कर खा के गिर पड़ती हैं। तो ब्लीडिंग 3-5 दिन ही होनी चाहिए। आप क्या इस्तेमाल करती हैं अपना नीचे रखने के लिए? कपड़ा जो इस्तेमाल करती हैं, कई बार उसमें राख, पेपर, हस्क, या कई बार कुछ भी रखती हैं खून इकट्ठा करने के लिए, उससे नीचे की इन्फेक्शन होती है। तो कृपया केवल साफ पैड इस्तेमाल करें, और लो कॉस्ट पैड सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट में अवेलेबल कराया जाता है वो यूज़ करें। इसके बाद ना उसे नहाने देती हैं, ना उसे पूजा करने देती हैं, ना उसे कहीं खेलने देती हैं। वो ये सोचती हैं कि उनको अगर ये करेंगी तो खून बहुत ज़्यादा बहेगा। ये जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज से, डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को, जिसको डिसमेनोरिया बोला जाता है, यहाँ पे जो पेन है ये कमर में भी जाती है, पॉटी वाले रास्ते पे भी जाती है, ये टांगों में भी होती है, इससे लड़कियाँ स्कूल भी नहीं जाती हैं। तो उस सब चीज़ को ठीक करती है अगर माँ उनको ये समझाए जाए, अगर माँ अपनी बेटी को ये समझाए कि ये एक गंदी चीज़ नहीं है, ये शुरुआत है आगे चल के माँ बनने के लिए। जो पांचवी चीज़ करती हैं कि लड़कियां जैसे ही पीरियड्स आने लगती हैं वो शर्माती है माँ उसकी अपनी बेटी से बात करने में। जब वो बेटी को ज्ञान नहीं देती तो लड़की में जो उसको गलत फहमियाँ हैं पीरियड्स के बारे में कि वो गंदा है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, दर्द होती है, वो अपनी तकलीफ किसी भी माँ से शेयर नहीं कर पाती, ना अपने फादर को बता पाती है, ना भाई को, ना मदर को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मदर शर्माए नहीं तो आगे चल के उनकी बेटी को भी और बहुओं को भी दिक्कत होगी। क्योंकि ये जो प्रजनन का सिस्टम है पूरा बॉडी के अंदर, ये पूरा, इसमें रसौली हो सकती है, गांठ हो सकती है, इसमें ये सारी रसौली यहाँ पे चिपक सकती है, ट्यूबें खराब हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाती है। अगर इस मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को, जो मेंसेस हैं अगर लेडी के नॉर्मल नहीं हैं तो आगे चल के बच्चा होने में बहुत दिक्कत रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि माओं को पूरी नॉलेज हो और अपनी बेटी को और बहुओं को इस चीज़ का वो ज्ञान दें और उनकी प्रॉब्लम्स हल करवाएँ एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाकर। थैंक यू।